पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज वार्ड नंबर 7 में जिस स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों का सेंटर पड़ा है, वहां ऐसा लगता है कि कई महीनों से नाले की सफाई नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति त्रिवेदी, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। बिहार में 10वीं कक्षा का एग्जाम आज से शुरू हो गया। ऐसे में बेतिया के नरकटियागंज के नोट्स पब्लिक स्कूल में सेंटर है, वहाँ नाले की स्थिति देख कर ऐसा लगता है कि कई महीनों से नाला साफ नहीं किया गया। नाले से बदबू आ रहा है, लेकिन उस बदबू को दरकिनार करते हुए छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा देने वहां पहुंचे। सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन यह छोटी छोटी चीज दिखाई सरकार को नहीं देती। दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आ रही है। छात्र छात्राएं बगैर मास्क के एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुँच रहे हैं, तो वहीं अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने आए अभिभावक भी बगैर मास्क के आ रहे हैं। आपको बताते चलूं कि यह परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। इस बार कुल 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें छात्रों की संख्या 8,42,189 और छात्राओं की संख्या 8,06,705 है। परीक्षा हर दिन दो पालियों में ली जाएगी। दोनों पालियों में एक ही विषय की परीक्षा होगी। आइए आपको मैं अपने संवाददाता तनवीर आलम की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। दोस्तों, हमारी यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।